धीरे धीरे सिमटती जा रही बिलासपुर की जीवन दायिनी अरपा नदी को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अरपा नदी को बचाने का वादा किया था। सीएम के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने अरपा को बचाने की कार्य योजना बनाने को लेकर बैठक की थी। बैठक में शहर विधायक शैलेश पांडे, मेयर रामचरण यादव, नगर निगम के महामंत्री अटल श्रीवास्तव शामिल हुए थे। बैठक में एक कमेटी बनाई गई थी जो अरपा के लिए एक्शन प्लान बनाएगी और फिर उस पर काम किया जाएगा। ये चौड़ाई को कम करने के बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं और इस दिशा में प्रशासन बहुत सजग है और मुख्यमंत्री जी का तो विशेष आग्रह है कि नदी के मूल स्वरूप में बिना किसी तरह के छेड़छाड़ किए हुए, पर्यावरण को बिना किसी तरह के नुकसान पहुंचाए हुए, उसे किनारे के लोगों को पूरी तरह से शामिल किए जाए, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम बनाया जाए और दोनों तरफ नदी के किनारे किनारे बड़ा नाला बना करके आगे ले जा करके ट्रीटमेंट प्लांट डाला जाए और उसमें ट्रीटमेंट करके गंदे पानी को शुद्ध करके नदी में छोड़ा जाए।